गुड मॉर्निंग, आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ सीड्स के बारे में। व्हाट इज डिस्पर्जन? सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना और वहां पर ग्रो करना और नया प्लांट उगना क्या कहलाता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के थ्री मीन्स हैं विंड, वाटर एंड एनिमल्स। डिस्पर्जन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर सारे के सारे बीज वहीं उस एक ही प्लांट के नीचे उस बिखर करके वहीं पर उग जाएंगे तो उसके लिए सबके सनलाइट न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए सीड्स का डिस्पर्ज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ सीड्स बाय विंड्स। विंड्स से सीड्स कैसे डिस्पर्ज होंगे? तो उसके लिए, क्योंकि हवा के साथ में डिस्पर्ज हो रहे हैं, एक दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इसके लिए वो सीड का लाइट होना, लाइट वेट होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी सीड डिस्पर्ज होते हैं वो जो विंड्स के थ्रू होते हैं बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, एंड हैव टॉप्स ऑफ सिल्की हेयर, और उसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होंगे या फिर विंग्स होंगे। तो उसमें आप ड्रम स्टिक और मैपल का एग्जांपल देख सकते हैं कि उसके अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से सीड बीच में होता है और दोनों तरफ विंग्स होते हैं, जो हवा के साथ में ये हल्का हो जाता है और हवा के साथ उड़ करके दूसरी जगह पहुंच जाता है। इसी तरह से मैपल में भी इस तरह से ये विंग्स हैं और ये दोनों सीड्स हैं। इसी तरह से सनफ्लावर में भी आप देखते होंगे एक रुई की तरह आपको उड़ते हुए नज़र आते होंगे, तो उसमें छोटा सा काला बीज लगा होता है और ऊपर वाइट ऐसे रुई की तरह से उसमें लगा हुआ, उसके हेयर्स होते हैं, टफ्स ऑफ हेयर होते हैं, तो उस हेयर की वजह से लाइट हो जाते हैं और वो उड़ जाते हैं। इसी तरह से आँख में मदार के में भी बीज देखे होंगे आपने कि उसके ऊपर छोटा सा बीज लगा हुआ होता है ब्राउन कलर का, और उसके ऊपर से हेयर्स होते हैं और वो हवा में उड़ते रहते हैं, जहाँ पर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो उग जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ सीड्स बाय वाटर। वाटर से सीड्स डिस्पर्ज होने के लिए उसमें क्या होना ज़रूरी है कि फ्लोट कर सके वो वाटर के ऊपर, उसमें वायंसी ऐसी हो कि वो वाटर के ऊपर सतह पर रह सके, फ्लोट कर सके, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो सीड है, जो फ्रूट है, वो स्पॉन्जी होना चाहिए। स्पॉन्जी होना चाहिए, जैसे कि लोटस है, तो लोटस में जो फ्रूट होता है वो स्पॉन्जी होता है और वो इस तरह से पानी के ऊपर आराम से तैर सकता है और एक जगह से दूसरी जगह पर उसके सीड्स और फ्रूट्स उग जाते हैं। इसी तरह से कोकोनट में आप देखेंगे कि उसके जो फाइबर्स, उसके जो होते हैं हेयर्स होते हैं, उसकी कवरिंग पूरी फाइबर्स होती हैं, उसकी वजह से वो जैसे ही वो सी शोर की तरफ लगे होते हैं तो उसका जब फ्रूट गिरता है, नारियल गिरता है, तो उसके जो फाइबर्स, जो उसकी कवरिंग है, उसकी वजह से वो फ्लोट करता है और एक से दूसरी जगह पर वो डिस्पर्ज हो जाता है, चला जाता है। इसके अलावा डिस्पर्जन ऑफ सीड्स बाय एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी सीड्स को डिस्पर्ज करते हैं, इसी तरह से बर्ड्स भी करती हैं। बर्ड्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हम लोग देखते हैं कि उसको हम पल्प खा लेते हैं, कई ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि मैंगो वगैरह हैं, तो उनके हम फ्रूट्स का पल्प खा लेते हैं, उनका बीज हम लोग कहीं भी जाते हैं उसको बीज को डाल देते हैं, सीड्स भी इसी तरह से बिखर जाते हैं, और जो चिड़ियाएँ होती हैं वो भी छोटे से बीज को लेकर के चीज़ें खाती हैं और उनको बीज को हर जगह डिस्पोज करती हैं। तो ये हो गया कि हम उसको पल्प खाते हैं और बीजों को डिस्पर्स करते हैं। दूसरा है कि कई ऐसे सीड्स हैं जिसमें कुछ ऐसे ऐसी उसके अंदर विशेषताएं, ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से वो दूसरे एनिमल से चिपक जाएंगे, उस पर लग जाएंगे और फिर वो इस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं। तो कैसे? या तो वो एडिबल हो, उसमें हुक प्रेजेंट होते हैं, बर्ब्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइंस होते हैं और स्टिफ हेयर होते हैं। कुछ ऐसे बीज होते हैं जैसे ट्रिबुलस और जैंथियम है, तो उसमें हुक होती है, जैसे हुक होती है नुकीली सी, तो एनिमल जब वहाँ पर कुछ खाने के लिए जाते हैं झाड़ियों में, तो ये इनके बीज उसके बॉडी से चिपक जाते हैं, उसके हुक की वजह से उसे चिपक जाते हैं। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह गए और वहाँ पर उसने अपनी बॉडी को कहीं पर रगड़ा, तो क्या होता है, वो बीज वहीं पर गिर जाते हैं और जर्मिनेट होते हैं। इस तरह से अलग अलग उसके अंदर क्वालिटी पाई जाती है सीड्स में, जिससे कि वो उसके डिस्पर्स किए जा सके। तो इस तरह से हमने देखे कि थ्री एजेंट्स हैं और अलग अलग बीजों में जो अलग अलग टाइप से डिस्पर्स होते हैं, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू एंड एनिमल के थ्रू, तो उनमें उनकी क्वालिटी भी अलग अलग होती है सीड्स में, ताकि वो आसानी से डिस्पर्स हो सके। थैंक यू।